हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यार ग्रुप स्ट्रेटजी एक्सपर्ट। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जो कि मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। ये काफ़ी लोग ने कमेंट बोला कि सर मुझे वोलेटाइल मार्केट कैसा होता है वो मुझे बताएं, वोलेटाइल मार्केट कैसे पता करें कि किस टाइम मार्केट वोलेटाइल है, किस टाइम मार्केट स्टेबिलिटी है। वो आपको मैं क्लियरली मैं से यहाँ हाईलाइट करने वाला हूँ कि मार्केट वोलेटाइल है वो आप कैसे देखें। वीडियो लंबी हो गई तो वीडियो लास्ट तक देखें, ओके वीडियो लास्ट तक देखें और आपको प्रॉपर इस वीडियो के बाद समझ में आ जाएगी कि मार्केट में वोलेटिलिटी कैसा है। आपको कोई नहीं बताया हुआ ये चीज़, ठीक है, कोई भी नहीं आपको मार्केट में, मैं अभी तक बता सकता हूँ किसी ने भी नहीं बताया हुआ कि मार्केट में वोलेटिलिटी कैसी होती है, कैसे पहचाने, किस तरह से उसे देखें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चले शुरू करते हैं, ओके। तो सबसे पहले अभी मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि इस टाइम मार्केट की लगी पड़ी है, ओके इस टाइम मार्केट की लगी पड़ी है। आपको मैं न्यूज़ दिखाता हूँ, आपको तब समझ में आ जाएगी, ओके। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ देखता हूँ, ओके। तो मैं इकोनॉमिक कैलेंडर या फिर फॉरेक्स फैक्ट्री कुछ भी मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ तो आपको समझ में आएगी पूरी अच्छी तरह से, ओके। इकोनॉमिक कैलेंडर में देख सकते हो आप न्यूज, ओके 11 बजे के बाद जो न्यूज स्टार्ट हुई है ना मार्केट में, यूरोप पे लगातार न्यूज है, यूएसडी पे लगातार न्यूज है, तो फिर यूरोप पे 3 स्टार न्यूज है, मतलब सुबह से मार्केट वोलेटिलिटी है investing.com की। और मैं फॉरेक्स फैक्ट्री भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ तो जाके आपको समझ में आएगी चीज अच्छी तरह से, ओके। तो ये हमारे फॉरेक्स फैक्ट्री ओपन हो चुकी है और आप देख सकते हो लगातार इसमें। तो यार आजकल की मार्केट की न्यूज ही पता नहीं चल रहा है कि कोई है, वो तो मैं पहले बात कर चुका हूँ तो उसे मैं दोबारा नहीं करूँगा, मैं डायरेक्टली आ रहा हूँ अपने पेज पे। आप लोग काफ़ी लोग न्यूज अवॉइड करते हैं लेकिन न्यूज पक्का देखा करो आप लोग, तब तो आपको काफ़ी ज़्यादा समझ में आएगा। लाइक मैं आ रहा हूँ डायरेक्ट यूरोएसडी पे, ओके यूरोएसडी देख लो आप। और मैं यहाँ जूम इन कर रहा हूँ, जूमिंग करने के बाद आपको सबसे पहले वोलेटिलिटी दिख रही होगी, ओके। अगर आप लोग मार्केट में कंटिन्यूसली मेरे साथ ट्रेड कर रहे हो या फिर वीआईपी में हो तो आप लोग को समझ में आ रही होगी कि मार्केट में वोलेटिलिटी क्या है क्या नहीं, ओके। इस कैंडल को आप देखो, मैं जूम कर रहा हूँ इस कैंडल को देखो, लास्ट 35 सेकेंड में ये कैंडल कितना मूव करेगा आपको पता चल जाएगी, ओके। देखो ये तो सिंपल, ठीक है, इसकी मूवमेंट आप पकड़ो, लास्ट 35 सेकेंड में ये मूवमेंट किस तरह कर रही है मार्केट, ये देखो, ठीक है। अगर इसमें भी आपको समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, तो सिंपली आप ये सब बॉडी देख सकते हो। जब भी इस टाइप का बॉडी मार्केट में क्रिएट हो ना, जब भी मार्केट ये सब बॉडी का कोई वॉल्यूम नहीं है, ठीक है, ये सब बॉडी का वॉल्यूम कुछ नहीं है, देख सकते हो क्लियर आप। और आप लोग को अगर आप लोग को पता होगा तो बॉडी और शैडो से, शैडो और बॉडी किसे कहते हैं आपको पता होना चाहिए। लाइक ये प्रॉपर कैंडल है, ओके मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, दोनों कैंडल चलो ले लेता हूँ। ये जो बन रही है ना, ये पूरा ये हो गई आपकी शैडो, ठीक है, और ये जो पूरा बॉडी ये जो बनी है ना ग्रीन, ये हो गई बॉडी। जब भी मार्केट में बॉडी से ज़्यादा शैडो बना रही है तो वो मार्केट वोलेटाइल, क्योंकि आप खुद देख सकते हो यहाँ पे मार्केट खुद कंफ्यूज है कि मैं अप जाऊँ या डाउन जाऊँ, मैं अप जाऊँ या फिर डाउन जाऊँ, ठीक है, मार्केट ऑलरेडी कंफ्यूज, ओके। ये हुई, यहाँ पे इसे देख सकते हो, इसकी बॉडी पूरी तरह फॉर्म की है, इतने डायरेक्ट यहाँ से टच किया कैंडल, ठीक है, डायरेक्टली अब पकड़ा मार्केट, ठीक है, कोई मूवमेंट नहीं इसका, मे बी वोलेटिलिटी आई होगी, लास्ट मूवमेंट भी उठी है तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन करंट में जो है मैं उसे बता रहा हूँ, ठीक है। इस टाइप का अगर इसमें भी आ गई है तो हो गई आपकी मेन, ठीक है, और मेनली आपको अगर इसमें भी नहीं पता चला तो आप 15 सेकेंड का चार्ट ओपन करके देख सकते हो, ये चार्ट देखो आप, लास्ट में हाफ एन आवर 1 आवर से जो मार्केट में चल रही है ना आफ्टर 2 PM, उसी चीज़ का मैं लाइव दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है।
देख सकते हो यहाँ पे इस चार्ट पे, आप देखो रुक मैं जूम इन कर देता हूँ, ठीक है। आप देखो यहाँ तक आपकी बॉडी दिख रही है, इसमें बॉडी दिख रही है, यहाँ इतने पार्ट में किसी में बॉडी दिख रही है। आपको ट्रेड लेने से पहले जब भी आप ट्रेड लो 15 सेकेंड का चार्ट ओपन करो, इस तरह की बॉडी जिस भी एसेट्स पे मिले आपको, अगर आपको सेफ ट्रेड करना है तो जिस टाइम भी ये बॉडी आपको जिसमें इस टाइप की आपकी बॉडी शेडो टाइप की कैंडल दिख जाए, वो ट्रेड वो एसेट्स से अवॉइड कर दो आप, ठीक है। एसेट से अवॉइड करोगे ऐसा वाला में तो आपको काफ़ी अच्छी तरह से, मीन्स ये तो वोलेटाइल मार्केट और सेफ मार्केट में बताने वाला हूँ, पूरी तरह से आपको इसमें डिटेल पर मिलने वाली है, ठीक है। तो रही है वोलेटाइल मार्केट की पहचान, ठीक है। जब भी 15 सेकंड की चार्ट इस तरह से रहे, ठीक है, बॉडी से आप देख सकते हो या क्लियरली देख रहे हो, कहीं पे भी बॉडी नहीं बन रही है, मीन्स कहीं पे नहीं, इस पॉइंट से कैंडल स्टार्ट हो रही है, इसी पॉइंट पे कैंडल बंद हो रही है, देख सकते हो, ठीक है। तो ये हो बैड मार्केट, हाईली वोलेटाइल मार्केट इसे ही बोलते हैं, ठीक है, हाईली वोलेटाइल मार्केट इसे ही बोलते हैं। हाईली वोलेटाइल मार्केट, ठीक है, ये हुआ हाईली वोलेटाइल मार्केट, ठीक है, जिसमें आपको ट्रेड करना सेफ नहीं है, ठीक है, रिस्क कैसे भरा मीन्स, ठीक है। तो ये हुई आपकी हाईली वोलेटाइल मार्केट की पहचान, ठीक है। और मैं स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, बॉडी, तो ये हुई बॉडी की पहचान, ठीक है। आपको मैं अब लाइव दिखाने वाला हूँ कि मार्केट वोलेटाइल कैसे, देख सकते हो अब यहाँ पे लाइव कैंडल, इस कैंडल की शुरुआत 15 सेकेंड कैंडल ज़्यादा मैं नहीं है, ठीक है, 15 सेकेंड की कैंडल है उसे मैं दिखाने वाला हूँ, ठीक है। मार्केट की सपोर्ट ये है, मार्केट की सपोर्ट ये है, कैंडल की सपोर्ट ये, मार्केट डाउन ट्रेंड चल रही है, ठीक है, दिख गई आपको, मार्केट क्लोज हुई है आपको दिख रही है, इसे कहते हैं वोलेटाइल मार्केट। सबसे पहले तो कैंडल ओपन यहाँ हुई, क्लोज यहाँ हुई, ठीक है, क्लियर, आप देख रहे हो मार्केट ये यहाँ पे ओपन हुई, क्लोज यहाँ पे हुई, मार्केट ओपन हुआ, फिर यहाँ से डेली यहाँ जाने के बाद फिर मार्केट डाउन यहाँ पे आई, जैसे ही मार्केट कैंडल अप डाउन गया है आप देख सकते हो वोलेटिलिटी आपके सामने है ब्रदर्स, ठीक है। मैं कोई डेमो या फिर किसी तरह का नहीं है, आपके आपके सामने ये कैंडल सारी चल रही है, ठीक है, आपके सामने ये लाइव कैंडल चल रही है, मैं इसका कोई रिकॉर्डिंग या फिर कुछ नहीं, देख सकते हो मार्केट ने कितना गैप इन लिया आपको, मैं अब मैं डिटेल से बता रहा हूँ, ठीक है, मार्केट ने कितना गैप इन लिया, देख सकते हो खाली कैंडल, मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक, मार्केट क्लोज यहाँ हुई, ओके, मार्केट क्लोज हुई यहाँ पे, ठीक है, बट ओपन हो रही है यहाँ पे, 1 से 2 पॉइंट का गैप है, ठीक है। फिर इस पॉइंट पे मार्केट क्लोज होने के बाद, मार्केट इस पॉइंट पे क्लोज होने के बाद फिर मार्केट ओपन हो रही है इस पॉइंट पे, मीन्स इतना बड़ा गैपिंग दे रहा है, मतलब 2 से 3 पॉइंट का गैपिंग दे रहा है, फिर सडनली मार्केट क्लोज हो रही है यहाँ पे विद इन 2 सेकेंड। आप अगर तो आप जी नहीं पता चल रही तो प्रीवियस में आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। जब ये मार्केट यहाँ पे क्लोज हो रही है, ठीक है, मार्केट यहाँ पे क्लोज हो रही है, नेक्स्ट कैंडल ओपन हो रही है यहाँ पे, आप देख सकते हो गैपिंग कितना ज़्यादा है, दोनों कैंडल का गैपिंग, ठीक है, लगभग 1 से 2 कैंडल इस तरह का 2 कैंडल का गैपिंग है, ठीक है, यहाँ मार्केट क्लोज हुई, ठीक है, फिर ये कैंडल यहाँ पे ओपन हो रही है, यही है वोलेटाइल मार्केट, ठीक है। इसी टाइप में आपको रिस्की ट्रेड होती है, आप लोग क्या करते हो, 90% ट्रेडर्स लोग क्या करते हैं, जो कि नूब बोल सकते हो, ठीक है, चार्ट ओपन किया, 5 मिनट का 1 मिनट का देखा, मार्केट अप जा रही है, अप लगा दिए, डाउन जा रही है, डाउन लगा दिए। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कैसे आप लोग कितने लोग करते हो, ठीक है। तो इस टाइप का आपका वोलेटाइल मार्केट हो गया, किसी भी ऐसे, ऐसा नहीं कि मैं जीबी यूरो, क्योंकि यूरो आज पूरी तरह से बर्बाद मार्केट चल रहा है, ठीक है, आप जीबी भी देख सकते हो, लोग इसमें तो लाइव शेडो बन रही है आपकी,
लाइव साइड हो मार्केट, देख सकते हो आप मार्केट क्लोज हो रही है यहाँ पे, देखो विद इन टू सेकेंड, विद इन टू सेकेंड इस कैंडल पे आप देखो कैंडल यहाँ गई फिर यहाँ गई फिर यहाँ आई फिर यहाँ आई, इस विद इन टू सेकेंड में मार्केट चार साइड पे चार पॉइंट पे इसने वोलेटाइल हुआ है मार्केट को। ओके ये थी आपके वोलेटाइल मार्केट। और अब बात करते हैं कि वोलेटाइल मार्केट तो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर आप ये तक कंटिन्यू आप हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि अगर आप लोग मोटिवेट करो तो मैं इससे भी बेटर बेटर एक लेवल में आपको फ्री में एक लेवल पे आपको पहुंचा दूंगा, ठीक है। मैं एक लेवल पे आपको पहुंचा दूंगा विदाउट कोई पैसे, ठीक है। ये थी आपकी रिस्की मार्केट। अब मैं बात करने वाला स्टॉक मार्केट के लाइक FTSE, ठीक है। FTSE का ट्रेड देखो आप, ठीक है। FTSE का ट्रेड देखो आप, मार्केट में स्टेबिलिटी आपको दिख रही है, मार्केट में स्टेबिलिटी आपको दिख रही है। कैंडल का पास छोड़ो, मैं प्रेजेंट की बात करूँ, पास में देखो भी आप यहाँ पे नॉर्मली शैडो बन रही, कैंडल बन रही, ये सब एक दो शैडो बनने से मार्केट में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप इस टाइप पे यहाँ पे मार्केट थोड़ा वोलेटाइल हुई थी इन प्रीवियस किसी में भी देख लो, ठीक है। मार्केट वोलेटाइल है ऐसा नहीं कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट एक स्टेबिलिटी मार्केट में बात कर रहा हूँ, स्टेबिलिटी मार्केट देखना एक मिनट ओपन करो आप, ठीक है। यहाँ पे देखो आप मार्केट में शैडो काफी कम है, एक परफेक्ट कैंडल बन रही है, ठीक है। मार्केट में वोलेटिलिटी है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ मार्केट में वोलेटिलिटी है, बट मैं एक परफेक्ट चूज कर रहा हूँ कि अगर मैं एक परफेक्ट कैंडल भी मुझे ऐसे भी मिल जाते हैं जिसमें वोलेटिलिटी नहीं हो, क्योंकि आज मंडे है, मंडे में 99% एसेट्स आपको वोलेटाइल मिले। लुक आई होप दिस वन, लेट मी चेक, अभी तक तो ये कैंडल ठीक मूव कर रही है, बट लेट मी चेक इन 15 सेकेंड, ओके 15 सेकेंड में आप मार्केट देख सकते हो क्या स्टेबिलिटी है इस मार्केट की, प्रॉपर डाउन ट्रेंड, ओके प्रॉपर डाउन ट्रेंड ये है, ठीक है। इस टाइप के आपके मार्केट देख सकते हो, इस टाइप के मार्केट में आप ट्रेड करो सेफ हो, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर वन साइड चल रही है मार्केट, ठीक है। एक साइड मार्केट चल रही है डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड प्रॉपर काम कर रही है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, कोई बड़ा साइड नहीं, प्रॉपर बॉडी बन रही है, देख सकते हो प्रॉपर प्रॉपर बॉडी बना रही है, ठीक है, प्रॉपर प्रॉपर बॉडी बना रही है, ठीक है। ये हुई आपकी स्टेबल मार्केट, ओके मीन्स वोलेटाइल तो है, बट जैसा वोलेटाइल मैंने बताया उस हिसाब से उसके सामने ये कुछ नहीं है, ठीक है। ये देखो पूरे प्रॉपर बॉडी की बॉडी बना रही है, ठीक है, प्रॉपर बॉडी बना रही है, कोई इशू नहीं है, प्रॉपर का प्रॉपर बॉडी। ये तो यार 1 मिनट, ठीक है, फिर आप देख लो 5 सेकेंड कैंडल, 15 सेकेंड कैंडल में, ठीक है, 15 सेकेंड कैंडल आप देखो क्या परफेक्ट बॉडी बनाई है हर एक कैंडल पे, ठीक है। ऐसा नहीं कि मार्केट प्रोजेक्ट कैंडल में देखो, ऐसा नहीं कि मार्केट बहुत लंबा डाउन जाने के बाद एक अप गई है, ठीक है, एक प्रॉपर स्पेस बना रही है, देख सकते हो एक प्रॉपर स्पेस बना रही है कैंडल। मार्केट लिटिल वोलेटाइल है क्योंकि मंडे मार्केट है, लिटिल वोलेटाइल मार्केट दिखेगी आपको, ठीक है। तो ये हुई आपकी स्टेबिलिटी मार्केट, ठीक है। इस टाइप का आप जितना भी है ना एशिया कंपोजाइट इंडेक्स, यूरो कंपोजाइट इंडेक्स, इस टाइप के इतने भी है ना एसेट्स, SP 500 में दिखाता हूँ आपको, ठीक है, SP 500, इसमें वोलेटिलिटी काफ़ी अच्छी होती है, मीन्स स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है, सॉरी माफ करना, ठीक है। ये देखो आप एक SP ABS जितने भी होती है ना स्टेबल मार्केट, स्टेबल मार्केट मीन्स आपको मार्केट प्रॉपर रिस्पेक्ट करके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, रिपीट स्टेबिलिटी मार्केट आपको प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करेगी, जो मार्केट बुरा डाल रही है वो जिंदगी में कभी आपको रिस्पेक्ट नहीं करने वाली, ठीक है। सो आज का वीडियो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, ऐसे और अच्छी अच्छी वीडियो चाहिए या इसके पार्ट टू चाहिए और डिटेल में कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को लेके, तो कमेंट जरूर करना, मैं पार्ट टू जरूर बनाऊंगा इसको लेके, ठीक है। इसकी मैं सीरीज भी ओपन कर चालू कर सकता हूँ अगर आप लोग का अच्छा रिस्पॉन्स रहा है इस वीडियो पे तो, ओके तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग को आई होप आप लोग को मैं अच्छे से समझा पाया हूँ वोलेटाइल मार्केट और नॉर्मल मार्केट में। थैंक यू सो मच।